हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी है ओरियो एंड ऑरेंज चॉकलेट पॉप्स की रेसिपी। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग 2 टाइप्स बिस्किट पैकेट लेंगे, तो मैंने यहाँ पर ही ऑरेंज फ्लेवर बिस्किट पैकेट लिया हुआ है और ओरियो बिस्किट लिया है, ये चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट पैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग पैकेट से बिस्किट्स को निकाल लेंगे। आप यहाँ पर ये कोई भी बिस्किट से इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सारे बिस्किट्स को पैकेट से अलग कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पर ये आइसक्रीम स्टिक लेंगे और मेल्टेड चॉकलेट लेंगे। इसे हम लोग बिस्किट्स को इजीली चिपकाने में काम आएगा ये हमारा। अब हम लोग बिस्किट को बीच से डिवाइड कर लेंगे और एक आइसक्रीम स्टिक को चॉकलेट में डिप कर लेंगे और इस तरह से हम लोग बिस्किट में क्रीम में चिपका लेंगे। और इस तरह से हम लोग क्लोज कर लेंगे। ये हमारा चॉकलेट पॉप्स बन गया। इसी तरह हम लोग ऑरेंज फ्लेवर बिस्किट को भी बना लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है। मैंने यहाँ पर ही डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। आपको अगर डार्क चॉकलेट नहीं मिले तो आप यहाँ पर ही डेरी मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें बिस्किट को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नॉर्मल से प्रेस करना, नहीं तो बिस्किट टूट जाएगा। इसी तरह से मैंने सारे बिस्किट्स को बना दिया है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसे 5 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख लेंगे ताकि हमारा चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 5 मिनट्स हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं हमारा बिस्किट कितने अच्छी तरह से चॉकलेट के साथ में सेट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर ही मेल्टेड चॉकलेट लिया है, इसे मैंने डबल बॉयलर में मेल्ट कर लिया है और इसे मैंने रूम टेम्परेचर में लिया है। ध्यान रखें ज़्यादा गर्म ना लें, नहीं तो जो हमारा जो बिस्किट है वो नरम हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर ही बिस्किट को डिप कर लेंगे चॉकलेट में। तो इस तरह से हम लोग बिस्किट को डिप कर लेंगे चॉकलेट में और जो एक्स्ट्रा है उसे हम लोग निकाल लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर ही कलरफुल शुगर बॉल से डेकोरेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग डेकोरेट कर लेंगे। आपके पास में अगर शुगर बॉल्स नहीं है तो आप यहाँ पर ही जेम्स चॉकलेट को भी लगा सकते हैं, ये इजीली लग जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा ओरियो चॉकलेट पॉप्स बनके रेडी हो गया है।
इसी तरह से हम लोग ऑरेंज चॉकलेट पॉप्स भी बना लेंगे। और इसे हार्ट शेप से हम लोग से डेकोरेट कर लेंगे। आप भी इसी तरह से अपने बच्चों के लिए इजीली घर में चॉकलेट पॉप्स बना सकते हैं। और ये झटपट से बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है। तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से सारे चॉकलेट पॉप्स बना के तैयार कर लिया है। अब हम लोग इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेंगे ताकि ये चॉकलेट हमारा सेट हो जाए। तो 5 मिनट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं, ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को फुल वॉच करें फ्रेंड्स। और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा रेसिपी कैसे लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।